हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम और नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में आपको बदनाम लस्सी बनाना बताऊंगी। ये लस्सी बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली ये लस्सी है। बिल्कुल भी इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर लस्सी बनाने के लिए हमने लिया है दही। ये दही होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये हमने होममेड दही लिया है लस्सी बनाने के लिए। आप रेडीमेड दही भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें चीनी डालेंगे। अगर दही ज़्यादा खट्टी है तो आप ज़्यादा चीनी डालें, अगर फ्रेश दही है तो उसमें कम चीनी डालें। तो हमने चीनी डाल दिया है। थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसमें 4-5 काजू डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा लस्सी बनानी है तो आप इसमें अपने हिसाब से काजू डाल सकते हैं। इनको अच्छे से विस्कर से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, ऐसे इनको मिक्सर से मिक्स करना है कम से कम 2-3 मिनट तक। तो देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये दही कैसी हो चुकी है। बिल्कुल ये लस्सी बनके तैयार है। अगर आप ठंडी दही ले रहे हैं तो आपको फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर दही ले रहे हैं तो बनाने के बाद फ्रीज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद इसको सर्व करें, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बदनाम लस्सी बनके तैयार हुई है। अब इसके ऊपर थोड़े से काजू से डेकोरेट कर देंगे। तो लस्सी बनाने के बाद ऐसे ही डेकोरेट करके सर्व करें, देखने में भी अच्छी लगती है और पीने में भी अच्छी लगती है। तो ये लस्सी मिनटों में बनने वाली लस्सी है और ये बदनाम लस्सी बनके तैयार हो चुकी है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप जब चाहें तब इसको बना सकते हैं और खाने के बाद सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल भी बनाने में समय नहीं लगता है। तो ये बदनाम लस्सी अपने घर पे जरूर एक बार ट्राई करें और नीलम रसोई को कमेंट करके बताएं कि ये लस्सी कैसी बनी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए आपको तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।